नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कि इस भयंकर गर्मी में आप अपने पौधों को कैसे बचाएं। आपके गार्डन में हर पौधा अलग अलग वैरायटी का होगा, तो आपको उनका ध्यान भी अलग अलग तरीके से रखना होगा। आप किस पौधे को कितना पानी दें, ये सब मैं आज आपको बताऊँगी। इस समय जो बेलों वाली सब्जियाँ होती हैं, उनका हमें खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि बेलें बहुत नाजुक होती हैं और बहुत जल्दी गर्मी में झुलस जाती। मैं अपनी सारी बेलों वाली सब्जियों को सुबह शाम दोनों टाइम पानी देती हूँ। अगर आपकी बेलें भी छोटी हैं तो उनका खास ध्यान रखें। अगर आपने सब्जियों या फूलों के कोई बीज बोए हैं और वो जम चुके हैं, तो इस समय उनका खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं तो अपने सभी जो मेरे बीज जम चुके हैं उनका खास ध्यान रखती हूँ और दोनों टाइम पानी देती हूँ। बीज से जमे हुए पौधे बहुत नाजुक होते हैं, तो इसलिए इस भयंकर गर्मी में उनका ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। आप भी अपने नन्हे नन्हे पौधों का ध्यान रखें। और मेरे सकुलेंट्स फैमिली के जितने भी पौधे हैं, मैं उन्हें उनकी मिट्टी सूख जाने पर ही पानी देती हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने से भी वो ख़राब हो जाते हैं। देखिए, मेरा एक पौधा तो काफ़ी ख़राब भी हो चुका है। इसे मैंने भी पानी दिया था और उस दिन बारिश भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उस वजह से ये ख़राब हो गया। इसलिए अपने सकुलेंट्स को ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना दें। इस गर्मी में अपने कॉलेज का भी काफ़ी ध्यान रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं और धूप से बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, तो मैं अपने कॉलेज को दोनों ही टाइम पानी देती हूँ। और मेरे जितने भी हार्डी प्लांट हैं, जैसे क्रोटन, फाइकस, ड्रेसिना, सिफलेरा, बोगनविलिया, पाम, मैं इनको फुल भरकर पानी दे देती हूँ किसी भी एक टाइम, चाहे सुबह दूँ या शाम दूँ। वैसे अक्सर मैं पानी शाम को ही देती हूँ। तो और मेरे जितने भी कैक्टस हैं, मैं एक टाइम पानी देती ही देती हूँ, क्योंकि सुबह से शाम तक की फुल सनलाइट में रहते हैं। क्योंकि मेरे कैक्टस बहुत छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं, तो इनका पानी बहुत ही जल्दी सूख जाता है, इसलिए मैं इनके पानी का ध्यान रखती हूँ। दोस्तों, इस समय हमें अपने हैंगिंग प्लांट्स में भी पानी का काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं तो खुद अपने हैंगिंग प्लांट्स में पानी डालना भूल जाती हूँ, क्योंकि जो नीचे वाले गमले होते हैं वो तो दिखाई देते हैं, और जो हैंगिंग में होते हैं उनमें मेरी नज़र कमी जाती है। ये देखिए, मैंने अपने काफ़ी सारे हैंगिंग प्लांट्स को एक साथ रखा हुआ है, ताकि जब भी मैं पानी डालूँ तो किसी में पानी डालना भूलूँ ना, सब में पानी बराबर मात्रा में पड़ जाए। वैसे मैंने इनमें मल्चिंग कर रखी है, अगर पानी देना भूल भी जाऊं किसी दिन तो ये पौधे ख़राब नहीं होंगे। मैंने मॉस रोज और पसलिन की भी काफ़ी सारी कटिंग लगाई है। देखिए, अच्छे से ग्रो हो गए हैं ये। ये सुबह से शाम तक की फुल सनलाइट में रहते हैं। मैंने सिर्फ एक टाइम ही पानी देती हूँ, और ये यहाँ पे मेरे ये वाटर लिली और वाटर कैबेज के टब भी रखे हुए हैं, तो इनसे भी इनको काफ़ी नमी मिलती रहती होगी। तो क्योंकि पसलिन और मॉस रोज भी सकुलेंट फैमिली से ही होते हैं, तो इसलिए इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो आप भी आवश्यकता अनुसार ही पानी दें। जब उनकी मिट्टी सूख जाए तो उन्हें तभी पानी दें। इस समय हमें अपनी क्लाइंबर्स का भी ध्यान रखना होगा, जैसे मनीप्लांट, ब्रोकन हार्ट, मॉन्स्टेरा, उनमें आप मॉस स्टिक लगा सकते हैं, और अगर उनमें पानी डालेंगे तो उनमें काफ़ी देर तक नमी बनी रहेगी, जो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, जो पौधे मेरे ज़मीन में लगे हैं उन्हें मैं एक ही समय पानी देती हूँ। अक्सर पानी शाम को ही देती हूँ और कभी कभी शावर दे देती हूँ। और ये मेरा जरबेरा, इसके पानी का ध्यान रखती हूँ, क्योंकि ये धूप में बहुत जल्दी मुरझा जाता है। दोस्तों, मैं अब आपसे कहना चाहूँगी कि इस गर्मी से अपने पौधों को बचाने के लिए आप अपने पौधों को एक साथ इकट्ठा कर कर भी रख सकते हैं, बड़े पौधों के नीचे छोटे पौधों को भी रख सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं। अगर शिफ्ट करना संभव है तो शिफ्ट भी कर सकते हैं अपने पौधों को, अगर आपके पास जगह है तो। गर्मियों में मैं अपने उन पौधों को अपनी पोर्च में रख देती हूँ जो ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकते। दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास ग्रीन नेट लगाना भी संभव ना हो और आप अपने पौधों की जगह भी नहीं बदल सकते हो, तो इस भयंकर गर्मी में अपने पौधों को बचाने का आपके पास बस एक ही तरीका है कि अपने पौधों को सही ढंग से पानी दें उनकी आवश्यकता अनुसार, तो आपके पौधे इस गर्मी में भी बिल्कुल सही रहेंगे। क्योंकि मेरे पास तो इतने सारे पौधे हैं, ना मैं उनमें ग्रीन नेट लगा सकती हूँ और ना ही उन्हें एक साथ इकट्ठा रख सकती हूँ, तो मैं पानी का ही विशेष ध्यान रखती हूँ। जो पौधे मेरी धूप सहन नहीं कर सकते, बस उन्हीं को ही पोर्च में रखती हूँ।
दोस्तों, इस गर्मी में आप भी अपने पौधों का खास ध्यान रखें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।